बेटा तू अचानक यहाँ कैसे? पापा आज से ना मैं इसी घर में रहूंगी और उस घर में ना वापस नहीं जाऊंगी। यही रहूंगी? मतलब क्या हो गया बेटा? अरे पापा मैं नहीं जाऊंगी ना उस घर में वापस। अरे कुछ बोलेगी या ऐसे ही गुस्सा होती रहेगी। आपको पता है आज उन्होंने ना मेरे ऊपर हाथ उठाया। उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया मतलब तुझे मारा? पापा हाथ उठाया है, मारा नहीं है। और एक बात बताओ, हाथ उठाने में और मारने में कितना फर्क रह गया है? आज हाथ उठाया है, कल मार भी देगा। बात तो है, दोनों बराबर। अब से ना मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मतलब तूने पक्का फैसला कर लिया है कि तुझे वापस नहीं जाना? हाँ पापा मैंने पक्का फैसला कर लिया है, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी। एक मिनट, अब आप किसे फोन कर रहे हो? अरे वकील साहब कहाँ पे आप? और हाँ एक डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाओ, पूनम राणा अमित सागर। नहीं नहीं अरे मेरी बेटी ने पक्का फैसला कर लिया। हाँ जी जल्दी जल्दी तैयार करवा दो, डाइवोर्स करवाना इनका, जल्दी तैयार करवाओ आप। नहीं 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 आप तैयार करवाओ, जल्दी तैयार करो, मेरी बेटी ने पक्का फैसला कर लिया। नहीं आप जल्दी तैयार करवाओ। हाँ ये क्या किया, किसको फोन कर रहे थे? अरे बेटा जब तूने पक्का फैसला कर ही लिया नहीं जाना तो बेटा डाइवोर्स भी तो जरूरी है। डिवोर्स? मेरा डिवोर्स क्यों करा रहे हो आप? अब पापा इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो गई है जो मैं डिवोर्स ले लूं, पति है वो मेरा। अरे बेटा मैंने तेरी शादी इसलिए नहीं करी ये बस तुझे घर ले जाके पीटे। अब रुक थोड़ा, अभी एक फोन और करता हूँ मैं। अब किसे कर रहे हो पापा? एक मिनट रुक जा बेटा, हद हो गई यार। अरे पांडे जी कैसे हो? हाँ हाँ अरे भाई राणा बोल रहा हूँ। अरे मैं क्या कह रहा था, अपना तुम्हारी कोई कंपनी में वैकेंसी है पर किसी को लगवाना था, अपना ही बंदा है। ठीक है ठीक है मैं उसे भेजता हूँ, उसे जॉब दे देना। ठीक बेटा तेरी जॉब का भी इंतजाम कर दिया। अरे पापा मैं अपने घर पे आई हूँ, यहाँ आके भी जॉब करूंगी क्या? और पहले तो आप मेरा बड़ा ध्यान रखते थे, अब बोझ हो गई हूँ क्या मैं आप पे? अरे देख बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जब तूने पक्का फैसला कर ही लिया कि यहाँ रहने का तो भाई तेरा भी तो कोई इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं? कोई बात नहीं, भैया है ना, भैया मुझे रख लेंगे। अरे बेटा कोई भाई अपनी बहन को नहीं रखता, अब तू अलग होती है तो तुझे कमा के तो खाना पड़ेगा। अब एक काम मैं और करता हूँ, पुलिस चौकी में फोन करता हूँ, साले को जेल करवाता हूँ। देख रहने दो पापा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है जितनी बड़ी आपने बना दी है। अरे बेटा उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया है। अरे उसने हाथ उठाया है, मारा नहीं है मुझे। और पापा किस घर में लड़ाई नहीं होती, आपकी और मम्मी की भी लड़ाई होती थी, भैया और भाभी की भी लड़ाई होती है। और ना किसी को ना फोन मत करो, मैं अपने घर वापस ही जा रही हूँ। और वहाँ पर कम से कम मुझे दो वक्त की रोटी तो मिल रही थी, ऐशो आराम तो मिल रहा था, नौकरी करने की जरूरत तो नहीं थी। और मैं यहाँ रह के करूँगी भी क्या, अगर मुझे खुद ही कमाना है तो इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही थी, दो वक्त की मुझे तसल्ली से रोटी तो मिल रही थी खाने को। और लड़ाई का क्या है, हो सकता है इस बारी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो उनका हाथ उठ गया हो। बेटा देख तेरी मर्जी, तू चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, तू कहे तो मैं उसे जेल करवा दूँ। और ना कोई जेल कराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। जा रही हूँ मैं, अपना घर खुद संभालूंगी और अपनी लड़ाई भी।